मालपुए हमारे बनकर तैयार हैं। देखिए ये ड्राई फ्रूट से गार्निश किए हैं, इससे लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही। तो आप लोग जरूर बनाएं, एक बार जरूर ट्राई करें, कैसे लगे हमारे मालपुए जरूर बताएं। तो आप भी बनाइए मालपुए। बनाए जाओ चैनल पर, आज बनाते हैं मालपुआ। अगर मीठा खाने का कुछ मन कर रहा हो तो ये फटाफट से बन जाते हैं। घर में सभी सामान रहता है, तो आप भी बनाइए मालपुआ। उसके लिए चाहिए एक कटोरी मैदा, थोड़ी खाली रखी है, उसमें थोड़ी सूजी 2 चम्मच डालेंगे, इसलिए थोड़ी सी खाली रखी है। सूजी बारीक वाली होनी चाहिए, अगर बारीक नहीं है तो मिक्सर जार में इसको घुमा लीजिए। 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी अगर मैदा है तो 1 कटोरी शक्कर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, सौंफ पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर और 1 कप दूध लिया है। मैदा के अगर नहीं बनाने हैं तो आप इसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। तो बनाते हैं अब बैटर इसका। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा, सूजी, इलायची पाउडर, थोड़ा सौंफ पाउडर। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मालपुआ में सौंफ जरूरी है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको सबको मिला देंगे। अब इसमें हम दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ये रूम टेम्परेचर दूध होना चाहिए टेम्परेचर पर, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। या इसको थोड़ा सा गुनगुना भी करके डाल सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे एक साथ, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। विस्कर से घुमाते जाएंगे। इस तरह से इसको फेंटते जाएंगे जिससे इसमें लम्स नहीं पड़े। एकदम स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इस तरह का स्मूथ बैटर तैयार करेंगे जिससे गिरे तो वो आसानी से गल सके। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे। अभी इसमें सूजी फूलेगी तो थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। इसमें 2 बड़ी चम्मच मलाई डाल देंगे, जो दूध के ऊपर मलाई रहती है वो वाली, इससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, सूजी से क्रिस्पी बनेंगे और मलाई से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इनको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये हमारी सूजी और मैदा सेट हो जाए, फूल जाए। इसको ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा बैटर तैयार होगा हम चाशनी बना लेंगे। गैस को जला देंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें जो 1 कटोरी शक्कर ली थी वो 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे और 1 ही कटोरी पानी डालेंगे इसमें, ना कम ना ज्यादा। चाशनी बना देंगे। पिघलने देंगे, तब तक
फुल गैस पे इसको पिघलाएंगे। चलाते हुए इसको पिघलाएंगे। जब तक हमारी चाशनी उबलेगी हम ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लेंगे। तैयार करेंगे ड्राई फ्रूट्स को। चाशनी उबलने लगी है, देखिए इसमें कोई तार आर की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पकनी चाहिए, ना एक तार ना दो तार, सिर्फ चाशनी पकना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची। फ्लेवर के लिए इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है मालपुआ में। आप केसर भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे फूड कलर, येलो कलर का। आपको केसर पसंद है तो वो भी आप इसमें डालकर पका सकते हो। चाशनी सिर्फ चिपचिपी होना चाहिए बस। थोड़ा एक दो मिनट और पक लेने देंगे। चाशनी हमारी तैयार है, एक दो मिनट और पकने देंगे धीमी आंच पर। चाशनी तैयार है, देखिए इस तरह की होनी चाहिए, चिपचिपी, ना कोई तार। तो अब ये चाशनी बन चुकी है। अब हम लेंगे दूसरी कढ़ाई। मालपुआ बनाने के लिए नीचे से फ्लैट होने चाहिए कढ़ाई, इस तरह की, जिससे ये बीच में आसानी से फैल सके। इस तरह, या फ्राई पैन हो आपके पास उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरह की कढ़ाई लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे घी, शुद्ध देसी घी, उसमें ही मालपुआ अच्छे बनते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं घी डालना है तो थोड़ा रिफाइंड और घी दोनों को मिलाकर इसमें डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे मालपुए बनेंगे आपके। ज़्यादा नहीं भरेंगे इसमें, क्योंकि कम ही घी में इनको बनाएंगे। ज़्यादा भरेंगे तो वो पूड़ी जैसे बन जाएंगे, इसलिए केवल एक अंगुल ही घी होना चाहिए, या रिफाइंड तेल जिसमें आपको पसंद है उसमें आप बनाइए। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। बैटर हमारा तैयार है, देखिए कितना अच्छा स्मूथ बना है। ये अपने आप से गिर रहा है, इस तरह से ही गिरना चाहिए, इतना गीला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा बना है, इस तरह का बैटर तैयार करना है। अब इससे हम बनाएंगे मालपुए। गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे एक, कोई भी नाप, एक चम्मच बड़ा, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का चमचा होना चाहिए, इसी नाप से सभी को बनाएंगे। तो इसको थोड़ा ऊंचाई से थोड़ा डालेंगे, ये अपने आप से फैल जाएगा, सिकने देंगे। धीमी आंच पर ही सेकेंगे, जिससे वो अंदर तक सिक जाए। इस पे धीरे धीरे घी डालते रहेंगे ऊपर से, जिससे ये बहुत ही अच्छा सिकेगा, क्रिस्पी भी बनेगा। आराम से सिकने देंगे। अपने आप से ये शेप पकड़ लेता है, जैसे ही आप बैटर डालेंगे ये शेप अपने आप तैयार हो जाता है। इसको हल्का सुनहरा होने तक सेकेंगे।
मीडियम टू लो पर सेकेंगे। धीरे से इसको पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे बना है, एकदम सॉफ्ट। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है घी की। शुद्ध घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसको उलट पलट के सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ऐसा कलर आना चाहिए। गैस को मीडियम टू लो पर ही रखेंगे जिससे ये अंदर तक पक जाए। ये सिक चुका है, इसको थोड़ा प्रेस करके घी निकाल देंगे जिससे इसका घी निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं। इसको चाशनी में डाल देंगे, दो तीन मिनट के लिए डला रहने देंगे चाशनी में, जिससे ये चाशनी अंदर तक चली जाए। इसी तरह दूसरा डालेंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे। आप चाहो तो जगह है कढ़ाई में तो दो तीन इकट्ठे भी बना सकते हैं, नहीं तो एक एक करके बना लीजिए। बहुत ही अच्छे बने हैं। इसी तरह से सारे मालपुए बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब इसको भी चाशनी में दो तीन मिनट के लिए डाल देंगे। इसी नाप से एक नाप बना लेंगे, इस तरह से ऊंचाई से डालेंगे जिससे वो अपना शेप तुरंत पकड़ लेता है। जगह के हिसाब से आप दो दो तीन तीन भी डालकर सेक सकते हो। मालपुए की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। आप इसी तरह से
सेकिए और जब चाशनी में डालें तो चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, जिससे इसमें अंदर तक चाशनी जा सके। इसको सिकने देंगे, पहले गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसी तरह से सारे मालपुए को सेक लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें एक बार। इसी मेथड से बनाएंगे तो आपके भी मालपुए अच्छे बनेंगे। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, स्पंजी बन रहे हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकेंगे। आप लोग ज़रूर बनाएं और खाएं और सभी को खिलाएं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं, अच्छी लगे तो बार बार बनाएं। गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे, उसके बाद इनको चाशनी में 2-3 मिनट के लिए डाल देंगे। ध्यान रहे घी बिल्कुल 1 अंगुल ही रखें, ज़्यादा भरना नहीं है और मीडियम पर ही सेकना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाए। इससे आपके क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे। देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं और बने भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग खाइए और सबको खिलाइए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट्स मुझे करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नई नई रेसिपी मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप सारे मालपुए बना लेंगे। एक ही चमचे से बनाना, जिससे एक बराबर के आपके मालपुए बनकर तैयार होंगे। तो बनाइएगा ज़रूर मालपुआ।